music. Chalo. Rolling. Really good to see you, Tamanna. Thank you so much. Thank you all for coming here. It's a मेरी एक फिल्म रिलीज हुई तेलुगु में, उसका नाम है F2 एंड इट वाज अ फिल्म दैट वी ऑल रियली लव्ड बिकॉज इट वाज इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फन फिल्म, बट आई थिंक हम सबके लिए ट्रिकी हो जाता है जब भी हम कॉमेडीज करते हैं कि वो स्लैपस्टिक ना हो. एंड दिस इज़ अ रियली रियली फन फैमिली फिल्म एंड ये फिल्म बहुत ही अच्छी रिसीव हुई तेलुगु में. In fact, it's touched 100 crores. So I think I was really, really excited about it. I said I have to share it with my friends in Mumbai. And ये कैसी फिल्म है, I think जो सभी को समझ में आएगी, because बहुत ही शादीशुदा मर्दों की लाइफ कैसी होती है. I think now I think already everybody is connected because that is I think some a universal emotion and you don't need language for that. So it's a quite a cool film and I'm waiting for all my friends to come in and I hope they watch the film and enjoy the film and just so that they understand the film with subtitles, so that Telugu people who don't understand Telugu can understand it. Who are the people coming in? Well, I'm hoping there's Prabhu sir, I think, who's coming. There is this Parineeti who's coming. Some of my friends are there. Shruti is coming, who's a very dear friend. Akshara is coming, so couple of close friends are gonna be here. ये film हमें हिंदी में भी देखने को मिलेगी, मतलब I mean it's a film that's universal. I hope बने, because it's got that potential. It's got the potential to be made in every language. क्योंकि ये जो मैंने बोल दिया ना कि मतलब जिस इंसान की शादी हो जाती है उसके बाद उसकी life कैसे हो जाती है, उस subject पे आधारित है. So I think that's a very universal emotion. Good evening, Tamanna, and thank you for calling us over here. Thank you for coming. पता कई लोग तो ये वेट करते हैं कि कब आपका इवेंट और आप यहाँ पे आए. आप But I also embody essentially the Indian woman who wants to have an amazing, who wants to have a good marriage, who wants to be wants to have a great family life. So I think for making it cinematic, usko thoda cunning bana diya, but it's actually all out comedy. आप बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं, मतलब कई बड़ी फिल्मों के आप पार्ट रहे हैं, और जो आजकल जो टर्म यूज हो रहा है परफेक्टली कि कंटेंट ड्रिवन. या आई थिंक इट्स एवरीवन टुडे. आई थिंक हम सभी जो फिल्में हम जो देखना भी चाहते हैं वो, इवन इफ यू आर डूइंग कमर्शियल फिल्म्स वी नीड कॉन्टेंट इन इट. सो आई थिंक इट्स द कॉल ऑफ द डे, एंड साउथ हो या हिंदी फिल्में हों, आई थिंक सभी पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट कि फिल्म की स्टोरी कैसी है वर्सेज इसमें कौन है. तो आपकी एक और फिल्म जो क्वीन का आप कर रही है जी, उसका कुछ अपडेट करेंगे आप? यस, वी आर वेटिंग फॉर अ रिलीज डेट टू कम एंड होपफुली मार्च इज व्हेन दे विल हैव अ रिलीज. और जो क्वीन थी उसकी मणिकर्ण नहीं कर रही? यस आई हैवंट सीन द फिल्म, आई एम वेटिंग टू वॉच द फिल्म. मैं काफी सारे अपने फिल्में नहीं देख पाती, सो आई एम जस्ट लाइक आई नीड टू कैच अप ऑन अ लॉट ऑफ मूवीज, बट आई एम हियरिंग सच गुड रिव्यूज फॉर मणिकर्ण का, फॉर उरी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऑल दीज फिल्म्स. नीड टू कैच अप. आपके पेरेंट्स भी आए हैं? यस, दे हैव कम हियर टू सपोर्ट एवरी टू सपोर्ट द होल टीम. आल्सो माय डायरेक्टर विल बी कमिंग इन, वो अनिल रविपुरी सर हैं जो हैदराबाद से हैं, एंड ही इज फ्लाइंग डाउन जस्ट फॉर दिस. सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम एंड आल्सो महरीन हु इज द अदर लीड, फीमेल लीड इन द फिल्म, शी इज आल्सो गोइंग टू बी अकंपनिंग अस टुनाइट. सो आई एम हैप्पी दैट मैं अकेले ये नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम आने वाली है. नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी डैडी ने फिल्म नहीं देखी है, विच इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज फिल्म हैदराबाद में रिलीज हुई थी, दे हैवंट सीन द फिल्म. कोई नहीं, आई विल हेल्प. That's the story of our lives. It's no problem. जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे आप जब प्रभु का नाम, प्रभु देवाजी का नाम लेते हैं, श्रुति का लेते हैं, इंडस्ट्री सेम है ना, of course. और yeah. ज़्यादा करके उस तरफ के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, because it is in Tamil, there's a reason. और I don't know. Who don't understand? और this. You know, I have called people who, and also there's Sajid Farhad, who are my directors.
There's Anurag Kashyap who's going to come, who's not at all, like, I know him off work. I think I was just happy. I wanted to call people who like this film, who enjoy this film, and you know, people who I know personally. And also sharing it with the Hindi film crowd, because I think they love good movies, and language is not the barrier anymore. So want to break that. मीडिया कैन बी ह्यूज सपोर्ट इन दैट टुडे आई लुक एट फिल्म्स लाइक आई स्पेशली लुक एट इंडियन फिल्म्स not as South or Hindi. I look it as Indian films. Thanks to Bahubali, in my career, I think my vision and my everything bloomed, because I figured that it's important to make good films. It could be in any language, and today people are responding to good cinema. It can be in any language. So I think I want to make good Indian films and be a good Indian actor. Ma'am, you have friends in both Bollywood as well as South industry. Yeah. During the Me Too campaign, many people were involved in the Me Too campaign in the Bollywood. What about South industry? It's more professional and clean as compared to Bollywood. If you... And the recent attack on Rajkumar Hirani, what's your take on that? So I personally feel like it's not a Me Too is not a Bollywood problem, first of all, nor is it a South problem. It's a universal problem. In films, I guess film personalities or celebrities, it's easier to pinpoint at them because people know them. So it's much easier to say this is the person, that is the person. So that is much easier said than done. But I think it's in every industry. My only thing is that this movement should be given its due respect. People should not use it as a PR ploy, which it should not be, because then it loses its gravity, and it's a very, very important. It's very important for not just our industry, for every industry to have this. But it has to be respected and dealt with in the right fashion, and people need to respect it. People need to even respect the people who've been accused in the case, because still nothing is proven, nothing is done. I think that respect should be maintained. At the same time, it's very important, the awareness, the fear that when people offend in a certain way is going to not go down very well. So I think that's what's essential with this movement, and it's essential in every industry. Hamari film mein to aise ki actors and celebrities and directors and whatever, it's much easier to pinpoint and say that person, because everyone knows them. तमन्ना जी, एक ये सवाल कि दो दिन पहले उमंग अवार्ड के जरिए जी रणबीर सिंह ने एक पुलिस वालों के साथ में लाइक फोटो निकलवाई थी, एंड मतलब कि गोद में आके उन पुलिस की वर्दी में फोटो निकलवाई थी, देन उसे बहुत ही ट्रोल किया जा रहा है. अच्छा, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, बट जब चीज़ों को ट्रोल की जाती है कई बार आपकी पिक्चर्स को भी, कैसे देखते हैं आप? यू नो, आई हैव कम टू बिलीव इन टुडेज टाइम ऑफ सोशल मीडिया. आप अगर अपना ओपिनियन डाल दो कि नहीं मुझे ना मुझे पिंक नहीं मुझे ब्लू कलर पसंद है, आप यू विल बी ट्रोल्ड फॉर एवरीथिंग यू से एंड एनीथिंग यू से. सो आई थिंक इट्स जस्ट द ट्रूथ ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ यू नो टुडेज टाइम्स, वेयर इफ यू आर यू नो ऑन सोशल मीडिया एंड इफ यू आर अ फिल्म पर्सनैलिटी और इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर गोना गेट ट्रोल्ड. सो आई थिंक पीपल हैव टू जस्ट टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. एंड यू आर अ हार्ट ब्रेकर. आज कुछ और कपड़े नहीं मिले तो ये मैं आज क्या अपनी स्क्रीनिंग दी तो भाग भाग के मैं तैयार हुई हूँ. नहीं, पर पक्का आपने ये सोच विचार के किया है, पूरा विश्वास है हमें कि दिस हैज बीन पर्पसली डन. आपको हमारी स्टाइलिंग के स्टोरीज एक बार बैठ के बताएंगे कि कैसे होते हैं हमारी स्टाइलिंग. बट आर यू अ हार्ट ब्रेकर? गुड क्वेश्चन. वेल, आईड लाइक टू बी. यू आर. आईड लाइक टू बी बट नॉट एज येट. But I like to be. आपके विचार डाइवर्स चीज़ों पर हमने सुने, एक और भी हम लाइक यू हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एंड एवरीथिंग. आपकी नॉलेज में वॉट आर द प्रोविजन्स विच शुड बी मेड फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, जब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान किए जाने वाले हैं और वो घड़ी या दिन नज़दीक है, क्या अपेक्षाएं आपके मन में रहती हैं? 1 फरवरी को बजट है, उसके ऊपर में आपके विचार, अगर आप एक कॉमन आदमी एक सामान्य मानसिकता के हिसाब से क्या होना चाहिए? सी, देयर आर लॉट्स, आई मीन दिस इज वेरी वेरी लार्ज क्वेश्चन यू आस्क्ड. इट्स अ वेरी वेरी ओवर एक्सपेंसिव, नॉट एन एक्सपेंसिव बट इट्स अ वेरी लार्ज क्वेश्चन. इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी लाइक.
I think essentially for the country, what I can always imagine is that because I've also been a part of the Swachh Bharat campaign, I generally feel like sanitation is something that's a problem everywhere. Like, we should not be thinking about how difficult it is to use the restroom in a place. It could be in studios, it could be in, you know, public places, railway stations, airports. Sanitation is a thing that I think essentially our country, I think that's some very basic thing that needs to be altered everywhere. It could be cities, it could be rural. So I think, and from the film perspective, I think if you are allowed to make content that is more, which is more relevant today, if it's given more support, then it's easier for us to, as creative people also, to make content that is, that will influence people. Because whether we like it or not, films have an effect on people. We are responsible about it, and we feel that it should be always, you know, be careful about what content we make. But I think if we really want to make an influence, then we should be allowed to kind of explore present topics. पर आपने देखा भी जीएसटी तो कम किया है तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग स्टेप है थोड़ा हिंदी में रखना आसान से भी ये सभी को डायरेक्ट करते हैं ना इट्स अ ग्रेट थिंग आई थिंक अगर जीएसटी कम होता है तो आई थिंक सब खुशी हैं आई थिंक सब अपना सब आजकल हम जो भी फील्ड में हैं वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ आर जॉब एवरी आजकल बहुत हर प्रोफेशन में बहुत हार्डवर्क है तो अगर ऐसी सुविधाएं और बने शायद सिटीजन्स और भी खुश हों एंड एंड या एंड इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस ओके दिस विल बी द लास्ट वन सर आप तीन सवाल पूछ सकते हैं इन्होंने 10 पूछे हैं जैसे आपने अभी कहा कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग क्वीन आपने करी है कंगना को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है लेकिन मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कई विवाद खड़े हुए हैं जहां एक सीनियर डायरेक्टर क्रिश या मिस्टी चक्रवर्ती की बात करो ये वो ये उनका ये इल्ज़ाम है कि कंगना ने उनके रोल पूरा जो क्रेडिट है डायरेक्शन की जब बात करें तो क्रिश का ये कहना है कि पूरी फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की थी लेकिन मुझे मणिकर्णिका को रिलीज तक लाना था इसलिए मैं चुप रहा जी टुडे यस्टरडे यू हैव गिवन द इंटरव्यू टू ऑल द टॉप पेपर्स एंड ऑल नाउ टुडे मिस्टी चक्रवर्ती कमिंग इन द पिक्चर सेइंग द सेम थिंग सॉरी आई डोंट इवन नो शी हैव डन कांचियन ओके शी इज अ पार्ट ऑफ ओके सॉरी बिकॉज़ ऑफ माय लैक ऑफ आई अपोलोजाइज फॉर माय लैक ऑफ information on this subject. I know Krish personally. I haven't worked with him, but क्योंकि हम एक ही industry को belong करते हैं काफ़ी सारी बार मुलाकात हुई है कंगना आई नो हर एज एन एक्टर वट एवर मैंने उनका जो भी काम स्क्रीन पर देखा है मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि कंगना को कोई टच नहीं कर सकता एज एन एक्टर शी इज़ बिन अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड फैन भी हूँ और एडमायर भी करती हूँ फिल्में बनाना आप जो देखते हैं आपके सामने जो बातें आती हैं वो सिर्फ ऊपरी बातें आती हैं जो फिल्में बनाने में जो एफर्ट जाता है जो 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 श्रम जाता है वो आई थिंक इट्स रियली नॉट एक्सप्लेनेबल इवन एंड कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सेट पे यू कुड बी विथ योर डायरेक्टर इट कुड बी विथ अदर टेक्निकल क्रू इन द फिल्म बट फिल्में बननी हैं और रिलीज़ होनी हैं एंड डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट इशूज़ वाइल दैट हैपन्स क्रिश इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर मैंने उनकी काफ़ी सारी फिल्में साउथ की देखी हैं इट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहाँ दोनों की मतलब उनकी अनबन हो गई है एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट बट क्रिएटिव लोगों के साथ ऐसा होता है हम हमारा कोई मैथमेटिकल जॉब नहीं कि प्लस टू प्लस टू इज फोर की इट्स नॉट दैट सिंपल इट्स अ क्रिएटिव जॉब तो लोगों को दो क्रिएटिव लोगों को सिंक होना चाहिए और अगर किसी वजह से वो नहीं हो रहे आई थिंक इट्स बेस्ट दैट only the film should be kept in importance and that's what Chris said in an interview kyunki main chahta tha film release ho absolutely you, the film has to be given the prior importance him personally ji and you know Kangana as an actor see I think it's very unfair for me to comment because I have not been in the set I think because I am a part of the film industry all the more feel agar aap set pe nahi ho to aapko sachi mein kya ho raha hai kabhi bhi malum nahi ho sakta I really feel sad कभी कभी कि मीडिया तक सिर्फ आधी बात पहुँचती है या जो बात बतानी जाए चाहिए वही बात पहुँचती है बट बहुत सी चीज़ें होती हैं सेट पे जो इट्स रियली रियली हार्ड टू टेल एंड बट इट्स लाइफ आई मीन यू हैव टू मेक अ फिल्म एंड यू हैव टू ब्रिंग इट आउट टू पीपल क्योंकि आखिरी में ये फिल्में लोगों के लिए बन रही है एंड पीपल हैव टू वॉच इट पीपल हैव टू लाइक इट सो हु मेक्स इट हाउ इट्स मेड दैट जर्नी विल ऑलवेज बी अ मिस्ट्री थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू A very good evening to you. Good evening. How are you? You have one of the most wonderful actresses who is part of both the industries, and now you have come to see one of her movies. Yeah. F2. I guess I heard the. I mean,
I only called her and told her, yeah, I want to see the film. So she told her, the screening is there. Definitely I will come. Yeah, it's a super hit. It's going so well. So I told her, I want to see it. More than language, I think, you know, because of sir, I have a problem now. I have to do everything really, like, he's so alert and time effective on set. Hmm. I've become like this with all my team, sir. Now they are like, I can never sit. He never sits. He's always like energetic, always doing his thing on set. Hmm. So I think that's what I've learned from him the most. And what are the exceptional quality you could find her in her as an actress? Hard work. Super hard work. She tells me, no, she is more than me. She hard works. Too good. Arun sir, you are asking something to Babu sir, please go ahead. Film, how excited are you? And like, Kamala ji. This film? I am very excited. I love to watch that. I only called her and asked, I want to see F2, the film. Please arrange for some show or something. Then she told me, no, I am coming. Yeah, I am here only, I am coming. Babu sir, Bollywood, I don't want to, you know, differentiate between two industries, but it's the same industry end of the day. जब बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों की फिल्में नहीं चल रही हैं, वहाँ 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है तमन्ना की फिल्म, what's your take on that? I mean, why? I mean, here also it's going well, diamond there is also it's going well. Every film industry is becoming big because of now new, the digital is open, I mean, satellite, many things. It's becoming, everywhere it's becoming big. You know, we just interviewed with Tamanna and she said it is a story of, 99%, it's a story of a married people. Yeah, married people. That's what that I saw the promo. It was so interesting. I saw the songs, like promotion songs. That's why I told her I want to see the film. How much you relate to that? How much you relate to that character? You know, which you have seen on the screen, the teaser or trailer. 50-60% will be related, I think, only. Okay, Sadal, so what is the biggest quality of a woman? Are they cunning? Are they? My character is cunning. So I'm just asking. In the film or outside? In general, yeah. In general? Yeah. Now, though, it's in full media, is there? Very good. Speak the truth. Very, very good. So articulate. Yes. Then only. Keeping you, I told this, then only. Otherwise. Okay, Babu sir, something out of the box, what happened in the current, you know, recently the film released Mani Karnika. Now the Krish, one of the finest director we have in the South, he's claiming the entire film is shot and directed by him and Kangana has taken the credit. What's your take on that? What do you think about this, sir? Krish belongs to South India and even on the finest director we have in the industry. Apart from Krish, there's another actress, Mishti, even she claimed the scene. The role had been chopped off because of Kangana. See, really? I don't know anything about that. Even if I know, I can't tell you. You push the better than us. No, that's what. Really, I don't know anything. Even if I know, I can't tell. Na. Thank you, sir. Thank you, guys. Thank you. Budget. No, no, no. I will talk later about this. No, why in this? No, in the question. I mean. And, you know, I have to talk that later. Kabuji, ये social media पे ये जो pictures trolling की जाती है, like दो दिन पहले हमने देखा रणबीर सिंह की photos को troll की गई, like police की वर्दी वालों के साथ में मैंने photo. अच्छा, no, I have not seen it. Social media पे जो trolling होती है pictures की, इसे कैसे देखते हैं? On that you are telling or normal, generally you are asking? In general. Any Bollywood celeb, you know, he get trolled. See, what to do now? I mean, we can't do anything about this. YouTube agaya, like this came, that came. Everything we have to pass. Thank you. Sir. Which is sir, you know, next opportunity? Sir, what would you like to say about your next project? Yeah. That I will talk later. Now this is not the time. I'll definitely have to talk so much thing about it. I will talk. Year, I have been correct, na? Yes. But after 1 year you waited, na? More 1 month. teaser of it. A jhalak. Soon I will talk. Thank you.